Hello everyone. So the topic for today's discussion is EVMs. We are covering current affairs related to Poly-Olympics 2021. We have already seen one nation, one election. In this video, we're going to see about electronic voting machines or EVMs. See, this is one of the method by which hum votes, yeah, like democracy India ke andar run karte hain. Voting iske through hota hai. EVMs के अंदर दो चीजें हैं, दो मशीन्स, एक आप कह सकते हैं दो यूनिट्स हैं इसके. ये होता है कंट्रोल यूनिट, ये होता है कंट्रोल यूनिट, और ये जहां पर सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है, दिस इज बैलेटिंग यूनिट. कंट्रोल यूनिट इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट किए हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है. आपके कंट्रोल में ये नहीं होगा. आप एक वहां पे एरिया में जाएंगे जहां पे बैलेटिंग बॉक्स लिखा रखा होगा, और वहां पर जाके आप अपनी वोट कास्ट कर देंगे. राइट. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ईवीएम. सी, ईवीएम जो है ईवीएम बेसिकली इट रन्स ऑन सिंगल अल्कलाइन बैटरी. इसलिए ये वहां पर भी काम कर सकता है वेयर एरियाज With no electricity. तो वहां पे भी ये काम कर जाता है क्योंकि इसकी एक सिंगल बैटरी है जो कि इस बैलेटिंग बॉक्स में लगी हुई रहती है, तो वहां पर हो जाता है. सी, ईवीएम के आने से पहले हम वोटिंग किस चीज पे कराते थे, इस पे, बैलेट पेपर पे. कैंडिडेट्स को, वो वोटर्स को एक बैलेट पेपर दे दिया जाता था, इंक होती थी, आपको इसके ऊपर मार्क करना होता था कि कौन से पार्टी के मेंबर को आप वोट कर रहे हो, ऐसे होता था. राइट. इसको शिफ्ट करके हम ईवीएम पे आ गए. तो लेट्स सी व्हाट इज ईवीएम, अच्छी चीजें क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कंट्रोवर्सी क्या है, और न्यूज में क्यों था. देखिए, रिसेंटली न्यूज में वो इसलिए था कि ईवीएम में जो वोट डाली गई है, वो लोग उस पर आरटीआई मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ईवीएम के अंदर वोट डाली, जो वोट डालते हैं लोग, वो इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं काउंट होगा, आरटीआई उस पर नहीं एप्लीकेबल. सही भी है, आप देखिए, आपका हक है वोट करना. विल सी दैट आल्सो. राइट. तो आप देखिए, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो वो हमारा पैटर्न क्लियर है, हमें जैसे नोट्स बनाने हैं हम वैसे ही सारा काम करेंगे. राइट. तो ईवीएम का अगर आप बैकग्राउंड देखें, तो आप देखिए, पहली बार बैलेट पेपर को छोड़ के ईवीएम हमने जब यूज किया, लाइक इलेक्शन कमीशन ने जब वो यूज किया, तो वो केरला में यूज हुआ था. सो यू सी, ईवीएम वॉज फर्स्ट यूज्ड इन परूर इलेक्शंस. परूर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, 1982. तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया के अंदर यूज हुई थी 1982 के अंदर. इलेक्शन कमीशन ने यूज किया था केरला की एक स्टेट इलेक्शंस के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, सिर्फ परूर के अंदर. आप देखिए, पहली बार ये यूज हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि किसी भी कानून के अंदर इसका प्रावधान नहीं है, इसकी प्रोविजन नहीं है. तो आपने कैसे यूज कर लिया इसे बिना बताए? भैया, खिलौना सा लाके रख दिया वोटर के सामने. कुछ प्रोविजन तो होगी, किसी से पूछा तो होगा, कोई लॉ होगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था. तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट एज देर वॉज नो सच प्रोविजन इन लॉ. किसी कानून में ये नहीं लिखा था कि ईवीएम यूज कर सकते हैं डेमोक्रेसी चलाने के लिए. तो अभी करना तो था, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना तो है. तो आप देखिए, पार्लियामेंट अमेंडेड हमारा इलेक्शन करवाने का जो एक्ट है, आरपीए 1951, इन 1988, एंड ईवीएम्स वर गिवन लीगल सैंक्शन. तो ईवीएम को लीगल सैंक्शन दे दिया गया 1988 में, क्योंकि लॉ में चाहिए था, लॉ में लिखवा दिया हमने, क्या दिक्कत है उसके अंदर, है ना. तो आप देखिए, फर्स्ट टाइम 1999 में गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम लीगली ईवीएम यूज हुआ. ईवीएम यूज पहली बार. और पूरे देश में कब यूज हुआ? पूरे देश में यूज हुआ 2004 लोकसभा इलेक्शंस. तो प्री में ये दो क्वेश्चंस बहुत फेमसली पूछ सकते हैं कि पहली बार ये
तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली बार इंडिया में कभी यूज हुआ तो 1982 परूर के अंदर, लेकिन कोई लीगल सैंक्शन नहीं था तो गलत ठहरा दिया गया। कानूनी तौर पे स्टेट कौन सी जिसके अंदर पहली बार यूज हुआ? गोवा। और पूरे देश में कब यूज हुआ? 2004 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। 2004 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर ईवीएम इंडिया में पहली बार यूज हो जाता है। अब देखिए इसके फायदे क्या है कि क्यों हम बैलेट पेपर हटा के ईवीएम पे शिफ्ट कर गए, क्यों वो पेज हटा के हम सी बेसिकली क्यों हम ये चीज हटा के इस चीज पे शिफ्ट कर गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज पे हम क्यों शिफ्ट कर गए। तो एडवांटेजेस देखते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। एडवांटेजेस देखिए, सी सबसे बड़ी बात है ईवीएम की कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक सा लग रहा है महंगा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज लग रही है महंगी होगी, सच में महंगा है, लेकिन वो वन टाइम कॉस्ट है। एक बार इस चीज को खरीदने के पैसे लगते हैं। अगर खरीद लिया तो आप अलग अलग इलेक्शंस के अंदर इसे फिर से यूज कर सकते हो। ये तो मशीन है, फॉर्मेट करी फिर से यूज कर लिया। इट्स लाइक योर लैपटॉप, बार बार आप यूज करते रहो, है ना। एक बार कॉस्ट लगाई पर बार बार यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब इस वैलेट पेपर को देखो, एक बार यूज कर लिया, इट्स अ वेस्ट, यू हैव टू थ्रो इट अवे। आर यू गेटिंग दिस? यू हैव टू थ्रो इट अवे, इसका कोई यूज नहीं रहा। तो आप देखिए, अगर आप आज के टाइम पे देखो, वन टाइम देखो, तो यस बैलेट पेपर यूज करना सस्ता पड़ता है, मशीन खरीदनी मुश्किल पड़ती है, पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखो, एक ईवीएम 20-20, 25-25 साल चलेगी, बैलेट पेपर एक बार यूज किया, यूज एंड थ्रो। तो सबसे पहली चीज थी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ओनली वन सी। जैसे वो सोलर एनर्जी नहीं होता, एक बार सोलर हीटर लगाने का खर्चा है, लेकिन बाद में आपको लॉन्ग टर्म उसका फायदा होगा। सो ओनली वन टाइम कॉस्ट, ओनली वन टाइम कॉस्ट, बट लॉन्ग टर्म में ये क्या पड़ता है? लेस एक्सपेंसिव देन बैलेट पेपर। लॉन्ग टर्म में ये इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म में इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप देखिए, नो इन इसके अंदर इनवैलिड वोट्स नहीं होती। सी इनवैलिड वोट का क्या मतलब है? देखो सी, डेमोक्रेसी है, हर बंदे को जो वोट मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैलेट पेपर जब हम लोगों को देते थे ना कि भाई इस पे इंक लगा दो, मार्क कर दो, आप जानते हैं कुछ लोग कैसे मार्क करते थे? यहां मार्क कर दिया, देखो यहां पे भाई, अब हमें पता नहीं चल रहा तूने वन को वोट किया या टू को वोट किया। अच्छा, कुछ लोग लेट्स से एक जगह वोट कर भी दें, लेकिन दूसरी जगह भी ऐसे इंक लगी मिलती थी, जैसे आपके ओएमआर पे हो जाता है, जैसे आपके ओएमआर पे हो जाता है वैसे। तो अच्छा, कुछ लोग तो होली खेल के ही बाहर आते थे, राइट, पूरे रंग में रंगे हुए हैं। तो आप देखिए, ऐसी वोट्स जो इसका यहाँ पे मार्क है, जिसका यहाँ मार्क है, और तीन चार जगह और इंक लगी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता आपने किसको वोट किया है। तो वो ऐसी वोट को क्या डिक्लेयर कर देता था? इनवैलिड। और ऐसी बहुत वोट होती थी यार, बताए हमारे यहाँ गांव के अंदर या इधर उधर, तो लोग घबरा जाते हैं जब वोट करने जाते हैं, तो ऐसे उल्टा सीधा मार्क कराते थे। पर ईवीएम के अंदर अगर आप देखें, बटन्स बने हुए हैं, आप एक बटन प्रेस करेंगे उसी पे वोट जाएगी, अनलेस आप पियानो खेलने लग जाए, राइट, कि पहले बार मशीन देखी है। पर आप, अच्छी चीज है, कंट्रोल यूनिट जब अलाउ करता है तभी वोट डलेगी, और 8-8 सेकंड के बाद वोट डलती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम बटन दबाते रहो, एक बार बटन दबाया तो वो जो आपके पास बैलेटिंग यूनिट है वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद अगली बार जब कंट्रोल यूनिट अलाउ करेगा तभी वोट डल सकती है। तो आप देखिए, इनवैलिड का सवाल ही नहीं है, जिस बटन पे प्रेस किया वहां उसको वोट चली गई, तो इसमें इनवैलिड वोट्स नहीं होती है। अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि स्टोर तो है कंप्यूटर फॉर्म में, ऑटोमेटिकली दिखा देता है किसको ज्यादा, उसमें काउंटिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, लाइक क्विक रिजल्ट डिक्लेरेशन, क्विक रिजल्ट डिक्लेरेशन, बहुत आसानी से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है इसके अंदर, राइट। इतना ही नहीं, इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। सी आपने देखा है, सी वो जो पेपर है उसके लिए बड़े बड़े से बैलेट बॉक्स लेने पड़ते थे जिसके अंदर स्टोर होते थे, ये तो आराम से कंधे पे रख के, ब्रीफ केस में रख के ले जाओ। स्टोरेज स्पेस इसमें कम लगती है, स्टोरेज स्पेस इसमें कम लगती है। अच्छा, कुछ लोग ना स्मगलिंग भी करते थे बैलेट पेपर की। सी स्मगलिंग कैसे करते थे? सी लेट्स से अगर मेरे को लगता है कि मैं पंचकुला में इलेक्शंस में हार रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस एरिया में गया, मैं ना इंक डब्बे में उल्टा देता था, तो सारे बैलेट पेपर पे इंक लग जाती थी, इलेक्शन कमीशन को उनको इनवैलिड वोट्स डिक्लेयर करना पड़ता था, है ना, तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ जाता था।
लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, जिसको वोट दे दी उसी के पास या यू नो आपका वो जो चीजें हैं वो रहेगी। दूसरा, लोग पेपर स्मगल कर लेते थे, बाद में मार्क करके उसी में डाल देते थे, सिर्फ बूथ कैप्चरिंग हो जाता था। लोग सारे वो खाली बैलेट पेपर उठा के ले जाते थे, घर पे बैठ के मार्क करके फिर जैसे तैसे डाल देते थे पूरे नंबर के अंदर। कैसे पता लगाओगे कौन सी जबरदस्ती डाली है या कौन सी नहीं? पर इसके अंदर इट प्रिवेंट्स स्मगलिंग, क्योंकि मशीन है भाई, मशीन के अंदर काउंट करोगे तो ही होगा। इट प्रिवेंट्स स्मगलिंग। तो आप देखिए, इसका बहुत फायदा था या बहुत फायदा है। सस्ता है, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होता है, इजी टू कैरी है, आसानी से। अच्छा, एंड मोर वोट्स इन लेस टाइम, विच इज वेरी गुड। मोर वोट्स इन लेस टाइम, ज्यादा वोट डलवा सकते हो आप। बैलेट पेपर के अंदर बहुत दिक्कत होती थी, किसी बंदे से इंक नहीं मार्क हो रही, किसी से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसके बहुत फायदे हैं जैसा आपने देखा, इसलिए हमने इसे, इसलिए इलेक्शन कमीशन इतना उतावला था इंट्रोड्यूस कराने के लिए और 2004 में करवा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, फिर जब ये इतनी अच्छी है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और इश्यूज जो आजकल आप न्यूज में देखते हो, इश्यूज क्या है? सी, सबसे बड़ा इशू जो इसका है वो ये है, नो वेरिफिकेशन, नो वेशन बाय वोटर्स, नो वेरिफिकेशन बाय वोटर्स, नो वेरिफिकेशन बाय वोटर्स। सी, आप देखिए, आपने इसके अंदर मार्क कर दिया, एक लाइट सी जल जाती है कि ठीक है आपने बी बंदे को मार्क कर दिया। सी, लेट्स से ए और बी, आपने ए को प्रेस कर दिया तो लाइट जल गई, ए को वोट मिल गई। पर आप देखिए, एक कंप्यूटराइज चीज है, इसे हैक किया जा सकता है, इसकी कोडिंग बदली जा सकती है। सी, कितनी बार होता है आपने देखा है, आप कोडिंग तो करनी, आप प्लस वाले बटन पे करो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कोडिंग तो ऊपर नीचे करनी है, और क्या करना है? Are you getting this? तो आप देखिए, ना इसके सामने कोई स्क्रीन है, राइट? ना इसकी आपको रिसिप्ट मिलती है कि आपने बी को प्रेस किया था तो बी को ही वोट चली गई। कोई देखो, बैलेट पेपर का तो आपको सामने दिख रहा है, इंक लग गई और आपने डब्बे में डाल दिया। इसके अंदर क्या है कि आपने जिस बटन पे प्रेस किया, क्या गारंटी है वहां पे वोट गई है कि नहीं? भाई लाइट ही तो जली है, क्या पता आपने कांग्रेस को दबाया हो बीजेपी को चले जाए, बीजेपी को दबाया हो आम आदमी पार्टी को चली जाए। कोई स्क्रीन थोड़ी ना जिससे आप वेरीफाई कर लो। तो आप देखिए, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं था वोटर्स के दौरान। इतना ही नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इट इज रनिंग, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ऑन ECI's ट्रस्ट। लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट है, इसीलिए ये वाला प्रोसेस चल रहा है अब तक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर आप प्रोविजन देखेंगे, इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ करप्ट बॉडी। क्यों? ना तो इनका एक्सपेंडिचर, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड पे, वोटिंग होती है, राइट? इनको कभी भी हटाया जा सकता है, इनकी अपॉइंटमेंट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप देखिए, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्रस्ट पे चल रहा है, जो कि खुद, जिसके पास सेफगार्ड्स नहीं है अपनी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए। तो आप देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने आम आदमी पार्टी को बटन दबाया और कांग्रेस को चली जाए, लाइट ही तो जली है, वेरिफिकेशन थोड़ी ना हुई है। सी, इतना ही नहीं, इसको आसानी से हैक किया जा सकता है। अगर आप एक बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस एरिया में रखेंगे, इसके आसपास, तो ये हैक हो जाती है, इसकी फायरवॉल नीचे गिर जाती है। तो ना कोई वेरिफिकेशन है, बल्कि आप इतना नहीं देखेंगे, सी, कंट्रीज लाइक, जहां पे हमसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, राइट? दे हैव बैंड इट, क्योंकि इसके अंदर इशू आ रहा था, इस पे वो हैकिंग का, करप्शन का चार्ज लग रहा था, इसको बैन कर दिया गया उन्होंने। तो इंडिया में ये राम भरोसे चल रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा, अगर आप देखें, प्रॉब्लम्स हैं। सी, आई होप यू आर गेटिंग दिस। सी, कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे बचाने के चक्कर में हमने मजाक कर दिया, रूलिंग पार्टी कैसे हारेगी? सी, वही तो आप देखो, केजरीवाल और वो आम आदमी पार्टी बोलती है कि EVM हैक है, प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। Are you getting this? बैलेट पेपर में कम से कम पता तो है हमने जिसको वोट दिया उसी को जाएगा कि नहीं। तो आप देखिए, जब इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखो, हटा तो सकते नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ है, अच्छी चीज है, हटाने को तो हटा भी सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन, सी, सॉल्यूशन आता है VVPAT सिस्टम के साथ, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल। सी, नाम में ही सब बता दिए होता तो वो भी डाल देते, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सी, सिस्टम में क्या होगा? देखो, ये सिस्टम है ऐसा, VPAT machines, आप जब बटन दबाएंगे तो साथ में एक ये VPAT मशीन रखी होगी,
ये वीपैट मशीन रखी होगी, इसमें आगे ग्लास लगा हुआ है, आपने जैसे ही बटन दबाया लेट्स से 7 को, तो यहां पे एक रिसिप्ट जनरेट हो गई, देखो यहां पे एक रिसिप्ट जनरेट हो गई, ये एक रिसिप्ट जनरेट हो गई जिसे आप चेक कर लो। अच्छा 7 लिखा गया, आपका नाम नूम कुछ नहीं होगा, पर एक बस नंबर होगा कि आपने बटन 7 पे दबाया या आपने बटन लेट्स से बी पे दबाया, तो बी ही है वोट, वेरीफाई कर दिया। लेट्स से अगर बी के अलावा ये लिखा है, तो आप तभी के तभी वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताओ कि सर मैंने कोई और दबाया था, कोई और मशीन दिखा रही है, राइट? तो ये एक तरह से रिसिप्ट जनरेट कर देगा और वेरीफाई कर देगा कि आपने जो वोट किया उसे ही डालिए, बेटर, क्योंकि पहले तो आप राम भरोसे चल रहे थे, अब कम से कम वेरीफाई तो कर सकते हो। ये रिसिप्ट आप अपने साथ नहीं ला सकते, ग्लास के अंदर होती है, वहीं पे बैलेट बॉक्स में गिर जाएगी, राइट? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल क्या है कि आप जो बटन दबाओगे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने किसको वोट दिया किसको नहीं। सी अब ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता हमारे साथ लॉल हो गया? सी बैलेट पेपर एक्सपेंसिव था इसलिए हम ईवीएम लाए, ईवीएम ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईवीएम में इसलिए हम वीपैट लाए। आपको नहीं लगता आप तो दोनों ही खर्चे हो गए, पेपर का खर्चा अलग से वीपैट के अंदर, इंक अलग से डलेगी उसके अंदर, इंक डलेगी पेपर डलेगा, ईवीएम का खर्चा अलग से, ये तो दोनों तरफ से बैंड बजवा लिया हमने, इससे अच्छा तो बैलेट पेपर ही रखते फिर हम। भाई आप ध्यान से देखो, जो भी ईवीएम के फायदे हैं, बस एक क्विक रिजल्ट छोड़ दो, उसके अलावा वो सारे फायदे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बैलेट पेपर में नुकसान था। अब आप दूसरा पेपर साथ में ले आए हो तो टैक्स पेयर का तो दुगना खर्चा करवा दिया आपने, पर आप देखिए इसके बिना भी नहीं चला सकते क्योंकि वेरीफाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप देखिए ये जो वीपैट मशीन है पेपर ऑडिट ट्रायल, इस केस में क्या होगा, आप देखिए आप पहले वोट कर दें, आप पहले वोट कर दें, लाइक रिजल्ट्स रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ ईवीएम्स, बट इफ चैलेंज्ड द वीपैट रिसिप्ट्स विल बी काउंटेड। तो आप देखिए वीपैट रिसीट्स तभी काउंट होंगी जब इलेक्शन चैलेंज होगा, जो कि हमेशा होगा, और इसको फाइनल माना जाएगा क्योंकि ये वेरीफाई करके वोट डली थी। लेकिन फर्स्ट केस में हम कौन सा डिसीजन फाइनल वालेंगे, ईवीएम वाला, ईवीएम वाला। और आप देखिए ये जो वीवीपीएटी है ये पहली बार यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, वही फिर से ट्रायल बेसिस पे ये यूज हुआ था नॉक्सिन के अंदर, नागालैंड के अंदर, उनकी एक असेंबली के इलेक्शंस थे 2013 के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? उसके बाद ये यूज हुआ, उसके बाद ये वीवीपीएटी यूज हुआ मणिपुर, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2013, 10 सीट्स के ऊपर, 10 सीट्स के ऊपर ये यूज हुआ, क्योंकि देखो खर्चा बहुत ज्यादा है ना इसका। और पहली बार गोवा के अंदर, फर्स्ट टाइम फुल स्टेट में जब ये यूज हुआ तो गोवा, तो ईवीएम भी पहले उसी में यूज हुआ था, और ये भी 2017 के अंदर ये भी पहली बार गोवा में यूज हुआ, और देश के इलेक्शंस में लोकसभा के इलेक्शंस 2019 से वीपैट पूरे देश के अंदर यूज होता है। तो चीज सही है ये क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कर देती है, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ले आती है ईवीएम के अंदर, लेकिन बात वही है खर्चा इसका भी फिर बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो आप देखिए टू सम अप द ईवीएम टॉपिक, ईवीएम जो है वो इंडिया के अंदर पहली बार परूर में इंट्रोड्यूस होता है 1982 में, और देश के अंदर 2004 के अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव है, एक टाइम कॉस्ट है, उसके बाद बार बार यूज किया जा सकता है। इनवैलिड वोट्स इसमें होती नहीं है क्योंकि जिसको प्रेस करा है तो वही वोट काउंट होती है, राइट? स्मगलिंग रोकता है, स्मगलिंग रोकता है और जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करवा देता है। डिसएडवांटेज यही है कि अब तक इसमें वेरिफिकेशन नहीं थी, हमें क्या पता हमने ए को प्रेस किया तो ए को ही गया है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी, ईसीआई के भरोसे चल रहा था और ईसीआई में सेफगार्ड्स नहीं है, वो राम भरोसे चल रहा है, राइट? और बहुत सारी कंट्रीज ने इस पे सवाल उठाए और इसे बैन भी कर दिया, इवन इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी से उन्होंने तो हैक करके दिखाया अपनी असेंबली के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन, एक वीपैट मशीन आई है जिसके अंदर आप जैसी बटन प्रेस करेंगे साइड में एक रिसिप्ट आ जाएगी। रिजल्ट्स के लिए हम ईवीएम ही काउंट करेंगे, लेकिन अगर चैलेंज हो जाता है रिजल्ट तो हम फाइनल काउंटिंग रिसीट्स की करेंगे। अच्छी चीज है, देश में 2019 इलेक्शन से पहली बार यूज हुई, गोवा स्टेट में 2017 में। बस प्रॉब्लम यही है कि खर्चा वहीं का वहीं रहा, पर एज डिस्कस अर्लियर ऑल्सो
इंडिया हैज ऑलवेज चोजन डेमोक्रेसी ओवर इकोनॉमी. तो अगर ईवीएम पे थोड़ा सा अभी संदेह है या डाउट है, वी नीड वी पैक मशीन. तो ईवीएम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आप देखें मेरे अकॉर्डिंग ईवीएम के अंदर ये पूछ सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो वहां पे ईवीएम नहीं चल सकता. आंसर इज नो, इट कैन रन ऑन एरियाज वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, राइट. वन आपसे पूछा जा सकता है ईवीएम पहली बार कहां यूज हुआ, 1982 परूर में, 2004 लोकसभा के अंदर. आपसे पूछा जा सकता है वीपैट पहली बार कब यूज हुआ, 2013 में पहली बार नागालैंड मिजोरम में, उसके बाद 2019 लोकसभा के अंदर पहली बार ये यूज होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे. एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं कि बैलेट पेपर में इनवैलिड वोट्स होती थी, ईवीएम में वैलिड होती है, या उल्टा कर देंगे स्टेटमेंट, है ना. आपसे ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं, राइट. तो आप देखिए ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स. एंड रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, लाइक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that RTI is not applicable on EVMs. तो आप EVM से इनफो जानकारी नहीं ले सकते RTI के अंदर. क्यों? क्योंकि ये आपका हक है वोट करना, nobody can take it away from you. ये कुछ prelims के लिए चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है. सी इतना ही नहीं, इसके अलावा जो fundamental right related है वो आप मेरे को बता सकते हैं. सी right to vote, कौन सी right है आप मेरे को अगर बताएं, राइट. तो खुद सोचिए, राइट टू वोट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 326. आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, एक्ट ऑफ वोटिंग कौन सी राइट है, एक्ट ऑफ वोटिंग कौन सी राइट है, आप मेरे को बताइएगा. प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल रिप्लाई, राइट. आई विल रिप्लाई इन ड्यू टाइम. तो आप देखिए, आई होप द सेकंड टॉपिक इन दिस बैच इज क्लियर, ईवीएम जो पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर है. तो कुछ राइट्स पूछी जा सकती हैं, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से एक्ट के अंदर होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं. आई होप इट इज क्लियर, राइट. थैंक यू.